आपको बताते चलें कि सबसे पहले सीएम योगी अखंड नगर के कलवारी बांध पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ उस पर बन रहे रेलवे उपग्रामी सेतु का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों की समीक्षा की। वहां से वे दोबारा हेलीकॉप्टर से कूरेभार के अरवलक करवत गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक्सप्रेसवे पर बन रहे एयर स्ट्रिप का निरीक्षण किया। उसके बाद वे यहां भी अधिकारियों से रूबरू हुए और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। वहीं एक्सप्रेसवे पर ही सीएम योगी जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य 2018 में प्रारंभ हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाकर नौजवानों को रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष से पूरा देश और विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था और उसके बाद भी पूरी तत्परता से इस एक्सप्रेस को संपन्नता की ओर बढ़ाया जा रहा है। ये देश और दुनिया के अंदर एक उदाहरण बनता जा रहा है। वहीं कूरेभार के अरवलक करवत में एयर स्ट्रिप बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि यहां बड़े से बड़ा विमान विषम परिस्थितियों में उतारा जा सकता है। इसके लिए सुल्तानपुर वासियों को गौरव की अनुभूति होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि हर हाल में 31 मार्च से 15 अप्रैल तक ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाए। खुशहाली का मार्ग विकास के माध्यम से ही देखने को मिल सकता है। ये केवल एक एक्सप्रेसवे नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का बैकबोन यानी उसकी रीढ़ बनने जा रहा है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को समृद्धि की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। ये व्यापक संभावनाओं का एक क्षेत्र बनेगा, औद्योगिक निवेश होगा और ये औद्योगिक निवेश भविष्य में इस पूरे क्षेत्र के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। हमारा नौजवान देश और दुनिया के अंदर पलायन करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का उपयोग हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक नए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में यहाँ का नौजवान यहीं से अपना योगदान दे, इस विश्वास के साथ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य अंतिम चरणों की ओर अग्रसर है। राजसी का निरीक्षण करने के लिए मैं आज आपके जनपद में आया हूं। आप सभी भारी मात्रा में यहां पर उपस्थित हुए। मैं इसके लिए इन सभी कार्यों की प्रति रुचि रखने के लिए अपने विधायकगण श्री सूर्यभान सिंह जी, श्री सीताराम वर्मा जी, संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर राम आशीष वर्मा जी और आप सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबको हृदय से मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं कि कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास के प्रति जो एक रचनात्मक माहौल आप सबने बनाया है, ये निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। दी गई थी और केवल पूरा पैसा आपने देकर उसको पूरा कराने काम किया है जो हमारा संयुक्त चिकित्सालय है और इसके अलावा आपने मोतियापुर और दोस्तपुर मार्ग का चौड़ीकरण विस्तारीकरण का सुदृढ़ीकरण के शुल्क दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निवेदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसके बाद मैं अति आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जन संवाद स्थापित करके अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसंचित करें और अपना मार्गदर्शन दें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी।